ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत वेलकम है 111 टैरिट चैनल के अंदर। और आप सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत सारी बधाइयाँ। आई होप एंड आई विश मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, ठीक है, या फिर आज जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, उन सभी लोगों को दुआएं लगें और आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। आई लव यू अलॉट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस 111 टैरिट चैनल के अंदर। और आज हम लोग जानने वाले हैं आखिरकार करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपके पर्सन की, ठीक है, आपको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। देख रहे हो आप, ढेर सारे मैसेजेस रखे हुए हैं हमारे पास, ढेर सारे, ठीक है, हैंडमेड मैसेजेस हैं और कार्ड्स वाले मैसेजेस भी हैं मेरे पास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो कार्ड्स रख रखे हैं मैंने, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स या एस ऑफ रोड्स, ठीक है, और पाइल नंबर 2 है हमारे पास एस ऑफ पेनिकल्स, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, फैसिनेटिव फैसिनेटेड लग रहा है, ठीक है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, तो आप उस पाइल को चूज कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो इंट्यूटिवली चूज कीजिएगा गाइस, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पाइल नंबर 1 से, ठीक है। तो मैं इस कार्ड को यहाँ साइड में रख देती हूँ, मैसेजेस को भी साइड में रख देती हूँ यहाँ पे, और शुरू करते हैं हम लोग पाइल नंबर 1 से, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये कार्ड चूज किया था और ये टिक नहीं रहा, ठीक है, तो जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया था ना एस ऑफ रोड्स का, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है, आखिरकार आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया होगा, ठीक है, या फिर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज करें फॉर मोर अपडेट्स। और आप लोग और अच्छी अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट न्यू ईयर का फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास हेरोफेंट, ठीक है। तो न्यू ईयर का फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया हेरोफेंट, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए, ठीक है जी। हेरोफेंट, विर्गो, विर्गो, टॉरस, टॉरस मेनली टॉरस। फिर है हमारे पास यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कई लोग हेरोफेंट को विर्गो भी बोलते हैं, कई लोग हेरोफेंट को टॉरस भी बोलते हैं, ठीक है, और बेसिकली मैं इसको टॉरस मानती हूँ और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से ये मुझे विर्गो भी फीलिंग आती है, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। फिर है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देन वी हैव वर्ल्ड कार्ड, ओके। सो गाइज, बेसिकली जो मुझे चीज यहां पे महसूस हो रही है ना वो ये है कि बंदा करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल महसूस कर रहा है और बंदा अपने चीजों के अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल महसूस कर रहा है। और एक्चुअल में ना 4 ऑफ कप्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। एज सच अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा खुश है या फिर अपनी जिंदगी को जॉय से जीने की कोशिश कर रहा है या क्या, ऐसा नहीं है। बंदा बहुत ज्यादा बर्डन लेकर के बैठा हुआ है। एक्चुअल में बंदे को समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, आगे चल करके क्या डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आप देख रहे हो, बर्डन चल रहा है उनकी जिंदगी में, ओके, बर्डन लेकर के बैठे हुए हैं वो, नहीं पता उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और ऐसा इसलिए हो रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज कर्म प्रधान है, ठीक है। उनका जो साइकिल चल रहा है ना कर्मों का, वो सही नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं बंदा कुछ ना कुछ नेगेटिव क्रिएट कर करके बैठा हुआ है, ठीक है।
ऐसा हो सकता है कि इनके पिछले जन्म के जो कर्मा है वो इतने ज्यादा कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, ओके, इस वजह से भी ये जो पर्सन है बहुत कुछ डील कर रहा है, ठीक है जी। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, दैट मीन्स कि जिंदगी में इस पर्सन ने ना बहुत ज्यादा दुख देखे हैं, ओके, बहुत ज्यादा दुख देखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इस बंदे ने ना छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कमाना शुरू कर दिया था, बहुत कुछ क्रिएट करना शुरू कर दिया था, और काफी लोग इसको इसकी इस कैपेसिटी से जानते भी हैं, लेकिन हाल फिलहाल इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, हाल फिलहाल इसकी जिंदगी में चल रहा है कि अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहता है, ठीक है, करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज आए, इन सब चीजों को देखना चाह रहा है ये पर्सन, ओके। और मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, जिन लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिनेरियो चल रहा है उन लोगों के लिए, कि ये पर्सन एक तरीके के ना ट्रॉमा में है, ठीक है। अब ट्रॉमा आप ऐसे भी कह सकते हो कि आगे मैं क्या करूं, क्या स्टेप लूं, एक्चुअल में आपके लिए क्या स्टेप ले वो, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा, ओके। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्डन लेकर के बैठा हुआ है बंदा, इसको नहीं पता, एक्चुअल में इसको नहीं पता, सीरियसली मैं बताऊं तो ये नहीं जानते कि इनको अब क्या डिसीजन लेना चाहिए आगे चल करके। हाँ, फाइनली ऐसा है कि बंदा न्यू बिगनिंग चाहता है अपनी जिंदगी में, कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहता है, बट कैसे, कब, क्यों, क्या, नहीं पता, आपके पास कैसे आए नहीं पता, कोई रास्ता इसको नहीं दिख रहा है। हाँ, आने की इच्छा है, बहुत तगड़ी वाली इच्छा है, बट कंफ्यूजन चल रहा है बहुत ज्यादा वाला कि मुझे क्या करना चाहिए। प्यार बंदा बहुत करता है, ठीक है, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा है, हो सकता है एंजाइटी होती हो इनको, ऐसा भी हो सकता है कि बंदा ना डॉक्टर के पास पहुंच जाता हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना साइकाइट्रिक जो है उनसे सेशन वगैरह लेते हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आपके जो घर वाले हैं उन्होंने तो भाई कहर ढा रखा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पे वाइब्रेशंस आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि बंदा हद वाला कंफ्यूज है और उसे नहीं पता कि मेरा क्या होने वाला है आगे चल करके, क्या होगा मेरा, ही नेवर नोस, ठीक है, नहीं पता। वर्ल्ड कार्ड, सी, दो दो वर्ल्ड के कार्ड आ गए यहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड वर्ल्ड दैट मीन्स कार्मिक सेशन चल रहा है बंदे की जिंदगी में, ओके और ये बंदा बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब कहते हैं ना एक क्रिटिकल कंडीशन जो होती है बंदे के दिल में, वो चल रही है यहाँ पे। बंदा क्या चाहता है, आपके जो पर्सन है वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम दोनों का हो जाए रीयूनियन, ठीक है जी, रीयूनियन की अभिलाषा है इनके मन में, लेकिन कैसे करूं, क्या बोलूं, क्या जाकर के कहूं मैं उसे। फूल अगेन, आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स बिकॉज जोडिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। फूल कांड, दो बार फूल और दो बार वर्ल्ड का कारण है, दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि मतलब बंदे की जिंदगी में कितना कुछ खराब चल रहा है। एक्चुअल में आपका पर्सन जस्टिस चाहता है, ठीक है, एक्चुअल में जस्टिस चाहता है, जजमेंट चाहता है अपनी जिंदगी में ना, वो चाहता है कि आगे कुछ ऐसा क्रिएट करे जिससे कि लोग उसे जाने, ओके। और भाई ना आपके घर वाले ना आपके पर्सन के घर वाले कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल ये पर्सन बहुत सदमे से में चल रहा है, ठीक है, आपके साथ इसकी बात नहीं हो रही है वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में इसको नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास आए हैं दो कार्ड, नथिंगनेस एंड कॉन्शियसनेस, दैट मीन्स कि इस पर्सन के दिमाग में है कि कुछ भी अब हो नहीं सकता मेरी जिंदगी में, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, ठीक है। और कॉन्शियसली कहीं ना कहीं इसका मन इसको बार बार कहता रहता है, अरे भाई सब्र करो, सबर कर लो थोड़ा सा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है आपकी जिंदगी में। और ये बंदा हर वक्त अपने आप को ना नेगेटिव बातें बोलता रहता होगा, नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो चीजें एकदम खराब हो चुकी हैं, अब तो क्या ही होगा आगे चल करके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इसकी बंदे की ना एनर्जीज बनी रहती हैं। चलिए अब चेक करते हैं कि आखिरकार इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके लिए, ओके। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव जो है वो क्या हो सकता है आपके लिए। टेम्परेंस का ही कार्ड आया था बट मैं नहीं लूंगी, आना होगा तो वही आ जाएगा वापस। हमारे पास आया है जजमेंट, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में या फिर 2 से 3 वीक्स में, 2 to 3 वीक्स और 2 to 3 डेज ये पर्सन आपको कॉल करेगा और आपको अपने दिल की बातें बताएगा कि एक्चुअल में इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये किस चीज से ना दुखी है, ठीक है, इसकी जिंदगी में एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्यों परेशान है, ओके। चलिए देखते हैं मैसेजेस,
मैसेजेस बता रही हूँ मैं आप लोगों को. यू एंड आई हैव सो मच कॉमन. आप दो, हम दोनों के बीच में कितना कुछ कॉमन है. ओके फिर हमारे पास है यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग. हम दोनों के अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. इनको ये सारी चीजें ना अखरती रहती हैं, हर वक्त इन सब चीजों को ना बहुत ज्यादा सोचते रहते. यू अप्रिशिएट मी. आप हमेशा इसे अप्रिशिएट करते हो कि हाँ तुमने ये चीज अच्छी करी, तुमने ये चीज अच्छी नहीं करी. यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी. आप वही सारे काम करते हो जो एक्चुअल में इनको खुश करते हैं. ठीक है, तो कुछ इस तरीके की फीलिंग्स भी इनके दिमाग में चलती रहती हैं. चलिए अब इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ. अब हम लोग देखेंगे मैसेजेस क्या है इस पर्सन के. इसमें इनिशियल्स भी होंगे, इसमें सॉन्ग्स भी होंगे. ओके कुछ और ले लेते हैं. ठीक है, वी हैव मोर अलॉट. ठीक है, मैं इनको ना थोड़ा इधर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूं. ओके चलिए अब देखते हैं. हमारे पास है वाई, तो हो सकता है ये आपके पर्सन का इनिशियल हो. ठीक है, या आपका इनिशियल हो. फिर हमारे पास है आई लव हगिंग यू एंड हेट लेटिंग यू गो. ठीक है, ये पर्सन को ना आपको गले लगाना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा नफरत है जब इसे आपको बाय बाय बोलना पड़ता है या फिर इसको ना आपको दूर भेजना पड़ता है तब. पूर्णिमा येल्लो. ठीक है, तो कुछ पूर्णिमा से रिलेटेड है. हो सकता है आपका नाम पूर्णिमा हो या फिर आप लोग पूर्णिमा के दिन मिले हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है. ठीक है, आई एम सॉरी आई कुडेंट फॉलो विद माई प्रोमिसेज. इनको बहुत ज्यादा दुख है कि ये ना अपने प्रोमिसेज नहीं निभा पाए. ओके देन हमारे पास है 7, 8, 9 बर्थडे मंथ्स या बर्थडे डेट्स, स्पेशल डेट्स हो सकती हैं. क्या मुझे माफ कर पाओगे? मैंने बोला था ना आप लोगों को कि कहीं ना कहीं बंदे के मन में गिल्ट सा चलता रहता है, तो वो चीज है ही. ठीक है, तो ये पूछ रहे क्या आप कभी माफ कर पाओगे नहीं. आई लव वेन यू स्माइल. ये आप बहुत पसंद आते हो आप जब भी आप मुस्कुराते हो. आई लव यू अलॉट बगलू. ओके बेहद प्यार करता हूँ, प्लीज समझा करो. मैं अभी वही कर रहा हूँ जो मुझे एक्चुअल में करना चाहिए. बंदा बहुत स्टक है. मैं जरूर आऊंगा, मेरा वेट करना. गॉट इट, मैं जरूर आऊंगा, मेरा वेट करना. एंड आई लव यू अलॉट. ठीक है जी. फिर हमारे पास मैं ट्राई कर रहा हूं. ये ट्राई कर रहे हैं भाई अपने स्तर पर. क्या हम मिल सकते हैं? सी मैंने बोला ना कि ये बंदा आपको कॉल वगैरह करेगा और आपको बताएगा कि क्या सिनेरियो उसकी जिंदगी में चल रहा है. हो सकता है आप लोग आपको मिलने के लिए भी पूछे. फिर हमारे पास 29, 30 एंड 31. आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट्स. बहुत दुख है बंदे को इस चीज का. प्लीज कम अगेन. कॉल करके आपको पूछने वाला है. चलो मिलते हैं. एम या कह लो डब्ल्यू. ठीक है, इनिशियल हो सकता है. फिर हमारे पास है एक्ने प्रोन स्किन, तो हो सकता है उनकी एक्ने की प्रॉब्लम हो उन्हें. ठीक है, फिर है हमारे पास गाना है ये आजा पिया तो ही प्यार दूं. ओके हम तो बैठे ही हैं लेने के लिए, कह दो. प्यार करता हूं भाई, बहुत प्यार करते हैं आपसे. ठीक है जी, ऐसी बात नहीं है. अगर तुम साथ हो. गाना है ये बोलना हल्के हल्के. ठीक है जी. फिर है हमारे पास सिर्फ याद का सिलसिला है. आज भी याद है वो दिन, आज भी याद है वो दिन. ओके ट्विन फ्लेम्स, तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो. फिर है हमारे पास एन इनिशियल हो सकता है आपके और आपके पर्सन का. लव यू जान, बहुत प्यार करते हैं आपसे. व्हाइट टीथ, तो सफेद सफेद दांत हो सकते हैं इनके, बहुत क्यूट से. ठीक है, बिग मुस्टैचेस, तो इनकी हो सकती है बड़ी बड़ी मूछें हो. ठीक है, आई लव यू लाइक अ लव सॉन्ग बेबी, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग. देन फिर हमारे पास है. ठीक है ओके जी.
वो जिंदगी क्या जिसमें तुम नहीं। क्या ही है वो जिंदगी जिसमें आप नहीं हो। गिल्टी सी, मैंने बोला था ना आप लोगों को कि बंदा बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा है। देख लो गिल्टी का कार्य है यहाँ पे, रिच प्लस जेंटल, दैट मीन्स मैंने बोला था बचपन से बंदा काम कर रहा है। फिर है हमारे पास मजबूरी को आंखों में छुपाया है। नेचर लव, आई लव यू, कह दो आई लव यू टू। फिर है आई वाना डाई, ये बंदा ना बेचारा परेशान हो चुका है, थक चुका है अपनी जिंदगी से। ट्रस्ट, ट्रस्ट करें सब कुछ सही जरूर होगा। ठीक है तो गाइज, ये कुछ मैसेजेस थे और एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। लेट्स चेक, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मैं इन कार्ड्स को यहां रख रही हूं, हो सकता है आप लोगों को दिखे ना। फिर हमारे पास है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कह दो मेरी नेगेटिविटी। ठीक है जी। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच। तो क्लाइमेक्स जरूर आएगा इस जर्नी के अंदर, इस लव लाइफ के अंदर, इस लव स्टोरी के अंदर। डोंट वरी, फेथ रखो, अच्छा सोचो। डेफिनेटली पाइल नंबर वन जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था, बंदा बहुत ज्यादा टेंशन में है लेकिन आएगा जरूर। नेक्स्ट स्टेप उनका यही होने वाला है कि बहुत जल्द आपको मैसेज करेंगे, अपने दुख के बारे में जरूर बताएंगे कि क्या चल रहा है, क्या फेस कर रहा है, क्या नहीं फेस कर रहा है, एंड फॉर श्योर बहुत जल्द आपको मिलने के लिए बुलाएगा। ठीक है, उनकी तरफ से एक प्यारी सी किस। ठीक है, अपना अपना ध्यान रखिएगा गाइस। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा अपनी अपनी राय। और आप लोग जो है न्यू ईयर ऑफर ले सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग सेशन। ठीक है, अपनी अपनी आप रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं क्योंकि अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है वाया मेल मी और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके। ठीक है, बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपना खुश रखिएगा। अगेन अ वेरी बिग हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से, लव यू बहुत सारा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू। तो जिन लोगों ने एस ऑफ पेनिकल्स का कार्ड चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग चेक इन करेंगे। मन में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें एंड ऑलवेज रिमेम्बर दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, होप दिस विल रेजोनेट विद यू। अगर होती है तो भाई बहुत अच्छी बात है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और अगर नहीं होती है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट रीडिंग का वेट कीजिएगा। हमारे पास है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, देन है हमारे पास लवर्स, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस। जेमिनाई इज स्ट्रॉन्ग, ओके। फिर हमारे पास फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ लॉटरी लग गई है भाई। फिर हमारे पास फाइव ऑफ सोर्ड्स, इसको ऐसे रख देती हूँ और एक कार्ड और निकालते हैं। एट ऑफ कप्स, और इस कार्ड की कहानी तो आप लोगों को पता ही होगी, ये किसने किया था है ना, मुझे जरूर बताने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, आप लोगों को बताया तो। एट ऑफ कप्स, ठीक है, ओके। ठीक है जी, तो जोडियक्स पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। जोडियक्स है हमारे पास यहाँ पे जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग, एरीज लियो सजिटेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ठीक है, ये साइन हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा परेशान हो गए जिंदगी से, है ना। आज भी होप है मन में, लेकिन होगा, सब कुछ सही होगा, मेरी जिंदगी में भी सब कुछ सही होगा, चीजें बेटर होंगी, बेटरमेंट की तरफ जाएंगी, सब कुछ सक्सीड होगा, चीजें सॉर्ट आउट होंगी, ईच एंड एवरीथिंग कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलती रहती है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या लग रही है ना, कि आपके दिमाग में ये भी थॉट चलता रहता है कि यार ये बंदा कभी आएगा क्या, ये बंदा मुझसे प्यार करता है आज भी जितना मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, ओके। इस तरीके के थॉट चलते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, ये पर्सन भी कुछ ज़्यादा बुरा आपके बारे में, कुछ बुरा ज़्यादा क्या, कुछ बुरा सोच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपसे लिटरली बहुत प्यार करता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। देख रहे हो आप लवर्स का कार्ड यहाँ पे, हो सकता है आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो।
ठीक है, हो सकता है ये पर्सन अपनी मदर की वजह से या फिर अपनी किसी तरीके की कोई कंडीशन की वजह से आपको छोड़कर गया हो, बट एक्चुअल में इस पर्सन का मन था नहीं आपको छोड़ के जाने का। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पर्सन ने ना, बहुत ज्यादा, एक्चुअली थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा ही लग रहा है मुझे तो यहाँ पे, इस बंदे ने ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन सहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन सहा है, देख रहे हो आप कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन रहा है इस बंदे की जिंदगी में, इतना ज्यादा माइंड का कॉन्फ्लिक्ट रहा है इस बंदे की जिंदगी में। आज भी ये पर्सन भले आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिनेरियो में हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, पेज ऑफ सोच्स का कार्ड है। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो ये कि ये बंदा आज भी आपसे बहुत प्यार करता है, हालांकि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टक है अपनी जिंदगी में। ठीक है, लेकिन ये पर्सन शादी आपसे ही करना चाहता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आए हैं। ओके, काफी ज्यादा इनसिक्योर सा महसूस कर रहा है इन दिनों, काफी ज्यादा एंग्जाइटी सी महसूस कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना चाहिए। बंदा मैसेज करना चाहता है आपको, कॉल करना चाहता है, बताना चाहता है कि उसको कितनी क्रेविंग्स हो रही है आपसे बात करने की। ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, हो सकता है उसके जो घर वाले हैं वो किसी और से उसकी शादी की प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं और आपको ये चीज़ पता है लेकिन आप इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हो, ना ही आपका पर्सन रोक पा रहा है ना, ऐसा भी मुझे होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। और आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही होगा करना और क्या नहीं होगा, आपको नहीं पता, एंड यू फील लाइक पता नहीं क्या ही हो रहा है जिंदगी में मेरे, मुझे नहीं पता। ठीक है, और इस बंदे को भी एक्चुअल में यही लग रहा है। और दूसरी बात मुझे यहाँ पे लग रही है ना, देखो दोनों ही कार्ड आए हैं, दैट मीन्स हो सकता है या तो आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं या फिर आप अपने टीएफ से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, और ये बंदा ना न्यू ईयर पे बहुत कुछ, बहुत ज्यादा ना आपको ऐसा बुरा सा लग रहा है इनको, काफी ज्यादा। ओके, हाई प्रिस्टेस, डेफिनेटली मदर इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग मदर इश्यूज हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा एक ऐसी साइकिल चल रही है हम दोनों के बीच में जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और बंदा क्या चाहता है, रिकन्सिलिएशन, बट करे कैसे उसे नहीं पता। बंदा चाहता है जस्टिस लेकिन कैसे करे नहीं पता, मदर इश्यूज हैं, बहुत प्रोमिनेंट मदर इश्यूज हैं, और जो आपके पर्सन है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अब इस कंडीशन से, वो इस कंडीशन से बाहर आना चाहते हैं, उनको ना लोगों के ऊपर ट्रस्ट सा नहीं रहा। अगर मैं आपको क्लियर कट बताने की कोशिश करूं तो पर्सन को ना एक तरीके का जो कहते हैं ना ट्रस्ट होता है ना, वो ट्रस्ट सा नहीं रहा आपके पर्सन को, उनको ये लगा रहता है कि सब बकवास है, दुनिया ही बकवास है, किसी से बात नहीं करना, बस चुपचाप बैठे रहना। देखो ब्रेक थ्रू का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, किसी से बात नहीं करना, शांत बैठे रहना, अगर बात करते भी होंगे तो लड़ाई हो जाती होंगी। अगेन लवर्स का कार्ड, आपको है ना बहुत ज्यादा याद करता रहता है, मिस करता रहता है ये बंदा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज ढूंढता रहता है, कंपेयर करता रहता है हर सिचुएशन को, आज की सिचुएशन को पहले की सिचुएशन से, कि पहले क्या था अब क्या हो गया है सब कुछ। ठीक है, और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे है इंटीग्रेशन, डेफिनेटली आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, आप जैसा महसूस कर रहे हो ये बंदा वैसा का वैसा महसूस कर रहा है, सी प्रोजेक्शन का कार्ड आ गया, और क्या चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली ये पर्सन आपका जो है ट्विन है और आप इसी से ही डील कर रहे हो, आपको नहीं पता, नहीं पता आपको क्या होने वाला है आगे, और इस बंदे को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे, लेकिन ये पर्सन आपको मिस करता है, तहे दिल से मिस करता रहता है, हर वक्त मिस करता रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका स्टेप क्या होने वाला है आपकी तरफ। वैसे तो मुझे इंट्यूशंस आ गए हैं, फिर भी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बंदा आपसे हो सकता है मिलने आए। ठीक है, बंदा बंदी, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ लड़कियां लड़कियों के लिए है। सी मैंने बोला ना, आएगा ये पर्सन मिलने के लिए आएगा आपसे। ओके, ये पर्सन बहुत जल्द मिलने के लिए आ रहा है आपसे और हो सकता है आपको किसी तरीके का ऑफर दे। पाइल नंबर टू, मैंने इसीलिए बोला था आप लोगों को कि आपकी लॉटरी खुल गई है, बिकॉज इस पर्सन का इतने समय से वेट कर रहे थे ना, वो पर्सन फाइनली आपकी जिंदगी में आ गया है, एंड जस्ट ट्रस्ट मी गाइज, जिस चीज का आपको इतने समय से वेट था ना, वो चीज अब होने वाली है, तो बस खुश हो जाओ, इतने समय से आपने मैनिफेस्ट जो किया है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है।
और ऐसा नहीं है कि इस बंदे को कुछ भी याद नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ याद है। यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन, इसको ये सब चीज़ें याद हैं कि किस तरीके से हम दोनों हर चीज सिचुएशन को डील करके हर सिचुएशन से निकल आते थे, ठीक है, किस तरीके से कितना आप टाइट इनको हग करते थे। ओके, ही रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, ही और शी, यू रेस्पेक्ट माई डिसीजन। और एंड में जब इन्होंने ये डिसीजन लिया ना कि मुझे जाना है विद दिस कार, तो हो सकता है आपने ना कभी भी इनको डिनाई नहीं किया कि नहीं तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, कुछ नहीं कहा आपने, आपने यू यू वॉज लाइक कि हाँ चलो ठीक है, जो हो रहा है होने दो, तुम खुश हो तो तुम खुश रहो, यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। और इस पर्सन को ना ये चीज अभी भी याद है कि किस तरीके से आपने इसकी डिसीजन की ना रेस्पेक्ट करी थी, और आपने इस पर्सन को पॉजिटिव बनाया है, हील किया है आपने इस पर्सन को, यू अप्रिशिएट मी, और आप हमेशा इस पर्सन को अप्रिशिएट करते हो, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस यहां से देखते हैं आप लोगों के लिए। दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके, तो मैं इन कार्ड्स को ना यहाँ रख लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। जल्दी मैं है ना चार्म्स रीडिंग भी करूंगी, डोंट वरी। चार्म रीडिंग की आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, वो भी मैं करूंगी। आई मिस यू बैडली, मैंने बोला ही था, देखो फर्स्ट मैसेज ये आ गया। पाइल नंबर टू आप लोगों की थीम ही ये थी कि बंदा बहुत मिस कर रहा है आपको, ठीक है। माँ बीमार है, हो सकता है इसकी मदर बहुत ज्यादा बीमार हो, ठीक है। जी तो ये इनिशियल हो सकता है इस पर्सन का। आई कांट लीव देम, हाँ अपनी फैमिली वालों को छोड़ करके, अपने फैमिली वालों के पास ही है ये पर्सन, ठीक है, आपको इसलिए छोड़कर गया है, और इसके दिमाग में है कि मैं यार इनको भी नहीं छोड़ सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज कम, ये आपका आपकी तरफ से उनको मैसेज है, ठीक है। अब कुछ अच्छा नहीं लगता इनको, डेफिनेटली कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर वक्त ना एक तरीके की खामोशी सी लगती रहती है इनको जिंदगी में। 4, 5, 6 मंथ हो सकते हैं बर्थडे मंथ्स। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू, ओ माई गॉड, मैंने आप लोगों को बोला था ना बॉटम ऑफ द डेक देख करके, सी मैंने कहा था ना ये बंदा आपको कमिटमेंट देगा, आपको पूछेगा क्या करें क्या नहीं करें। मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूं, समझ गए, वेट कर लेना इनका, ऐसे नहीं देख लो, मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ। आई वाना प्रपोज यू, गॉट इट, इंतजार करना इनका। आई सी यू एज माई वाइफ, बट मैं आपको अपनी वाइफ की तरह, हस्बैंड की तरह ही देखता या देखती हूँ, बट क्या करूं, यू ऑलवेज स्टैंड विद मी। वेडिंग, डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है आपके साथ शादी हो। चांद देख लेता हूँ, कडल्स, हो सकता है आप दोनों ने जो साथ में वक्त बिताया उसको ये बंदा मिस करता है। जे, यू आर ऑल आई एवर वॉन्टेड। ओके, फिर है हमारे पास हेल्पलेस वाना सी यू, ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड, आई रियली लव यू, यू टेक केयर ऑफ माई नीड्स, कमिंग टुगेदर सून, मैंने बोला ही था। ओके, यू आर फुल ऑफ सरप्राइजेस, आप इनको ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। आई ऑलवेज यूज टू सी स्टार्स इन योर लव, मैं हमेशा तारे देख लेता हूँ आपकी याद में। यूनियन सून, और क्या चाहिए भाई, देखो यहाँ पे कार्ड्स देखो कितने प्यारे प्यारे आ रहे हैं। आई वॉन्ट अ यूनियन सून, आई वॉन्ट अ प्रपोज यू, माई गॉड, जस्ट लुक एट द कार्ड्स, वाओ, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं, सॉन्ग है ये, नीड मिरेकल्स, बर्ड्स प्लस बटरफ्लाईज, हो सकता है आपको बर्ड और बटरफ्लाई बहुत दिख रही हो इन दिनों, ठीक है। कैसे मुझे तुम मिल गई भाई, कैसे
कैसे मिल गई आप बता दो। 444 एंजल नंबर होता है ये। फिर है हमारे पास तुमसे प्यार है, बहुत सारा प्यार है और जिया बेकरार है। ये रात नहीं कटती, नहीं कटती इनकी रात भाई, बहुत रोना आता है। मैंने बोला था ना बंदा बहुत मिस कर रहा है आपको। मस्त मगन ये भी सॉन्ग है, ठीक है। गुड लक आने वाला है आपकी जिंदगी में वापस। आई मिस यू, यही थीम है और यही कार्ड आ गया। ओके 16, 17, 18 ये डेट्स हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत लकी रहे आगे चल करके, ठीक है। परेशान हो, बहुत ज्यादा परेशान है ये पर्सन। पी इनका इनिशियल हो सकता है। फिर है हमारे पास एवरी वन यूज्ड मी, इनको कहीं ना कहीं पता लगने लग गया है कि इनके घर वालों ने इनके साथ क्या किया है। ई है हमारे पास इनिशियल हो सकता है ये। मैं कुछ कर नहीं सकता, अभी इनकी फीलिंग्स ये चल रही हैं। कॉल मैसेज टेक्स्ट, बंदा कॉल मैसेज टेक्स्ट करने वाला है आपको, ठीक है, और फिर मिलने के लिए बुलाएगा। आई ऑल्सो वॉन्ट यू, ये बंदा भी आपको ही चाहता है, ठीक है। एंड मार्च अप्रैल हो सकता है आप लोगों का बर्थडे डेट या मंथ हो। विश्वास रखो भाई, वेरी सून अगर तुम मिल जाओ, तुम वेट करना। 1111 और आखिरी मैसेज हमारे पास है, रीडिंग आर ओल्ड चैट्स एंड मिसिंग यू बैडली। बंदा मिस बहुत कर रहा है आप लोगों को, ठीक है। सो ये थे उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आप लोगों को, और गाइडेंस भी देख लेते हैं गाइडेंस क्या आता है एंजल्स की तरफ से। हमारे पास है द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोच, और क्या चाहिए आपको बताओ, ठीक है, और क्या चाहिए। बहुत जल्द अंत होने वाला है इन सब चीजों का। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और लास्ट कार्ड एंजल्स की तरफ से है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो। डेफिनेटली ये बंदा आपको बहुत मिस कर रहा है, नेक्स्ट मूव इनका यही होगा, आपको मिलने बुलाएगा या किसी तरीके का कमिटमेंट देगा, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप यू विल लाइक इट एंड एंजॉय इट टू। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आप अपनी जो है पर्सनल पेड रीडिंग सेशन बुक करवा सकते हैं बिकॉज अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, ठीक है। लव यू बहुत सारा वाला, बाय, हैप्पी न्यू ईयर।